उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण के रन के लिए पीएम मोदी की कल दो मेगा रैली, अमेठी और प्रयागराज में गरजेंगे पीएम मोदी। यूपी के कौशाम्बी में पीएम मोदी ने एसपी पर साधा निशाना, कहा पहले की सरकार में ट्रांसफॉर्मर बूस्टिंग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, बीजेपी की सरकार में कानून का राज है। उनके राज में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया था, आज हुनर का सम्मान हो रहा है। कौशाम्बी में बोले पीएम मोदी, एसपी सरकार खानदानी महोत्सव मनाती थी, बीजेपी सरकार दीपोत्सव और रंगोत्सव मनाती है। पीएम मोदी बोले घोर परिवारवादियों के राज में कौशाम्बी को विकास के लिए तरसा दिया गया, एसपी सरकार शासन नहीं शोषण करती थी। पीएम मोदी ने विरोधियों पर बोला हमला, कहा पहले की सरकारों में गरीब के लिए भेजा अनाज माफिया के पास पहुंच जाता था, परिवारवादी टोलियां गरीबों का राशन लूटने में शामिल रहते थे। चुनावी घमासान के बीच पीएम मोदी का अखिलेश को करारा जवाब, कहा परिवार वाले नहीं है लेकिन परिवार का दर्द समझते हैं, परिवारवादियों ने मुस्लिम बेटियों का दर्द क्यों नहीं समझा। हमारी दलित माताएं बहने, जड़े समाज की माताएं बहने और मुस्लिम समाज की बहनों को लाभ हुआ है। तीन तलाक के बहाने पीएम मोदी का अखिलेश पर जोरदार हमला, कहा तीन तलाक से त्रस्त थी मुस्लिम महिलाएं, हमने उन्हें तीन तलाक से मुक्ति दिलाई। बाराबांकी रैली में पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना, बाराबांकी रैली में बोले घोर परिवारवादियों ने यूपी को लूटा। पीएम मोदी ने कहा यूपी का चुनाव देश के विकास के लिए अहम, जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ खड़ा है यूपी का गरीब। पीएम मोदी का अखिलेश और कांग्रेस पर निशाना, कहा वंशवादी चाहते हैं जनता हमेशा ही गरीब ना रहे क्योंकि बीजेपी लोगों की मुश्किलें दूर करने का काम कर रही है। अमेठी के तिलोई से मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर चलाए सियासी तीर, पूछा क्या साइकिल से बम लेकर नहीं गए थे आतंकी। अहमदाबाद में जितने भी विस्फोट हुए थे सब साइकिल में बम लेकर के गए थे, क्या ये सच नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले सपा का हाथ आतंकियों के साथ। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर प्रहार, कहा सपा सरकार ने आतंकियों के केस वापस लिए गए, माफियाओं को मिलता था संरक्षण। अयोध्या मसले पर बोले सीएम, सपा सरकार ने राम भक्तों पर चलवाई थी गोलियां, हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर का करवा रहे हैं निर्माण। सीएम योगी ने कहा हमारी सरकार में यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ, बहन बेटियों को मिली सुरक्षा, यूपी छोड़ने के मजबूर हुए माफिया। योगी आदित्यनाथ बोले पहले ईद और मुहर्रम पर आती थी बिजली, दिवाली पर छाया रहता था अंधेरा, हमने 24 घंटे बिजली देने में नहीं किया कोई भेदभाव। सुल्तानपुर में सीएम योगी ने बीजेपी सरकार के काम की तारीफ की, कहा कोरोना संकट में बीजेपी के लोगों ने सेवा की, गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, किसानों के कर्ज माफ हुए। सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी एक बच्ची को प्यार करते भी दिखे, बच्ची ने धीरे से सीएम योगी के कान में कुछ कहा, बीजेपी यूपी ने उसे ट्वीट भी किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जेपी नड्डा ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा बीजेपी ने 5 साल में जो कहा उसे पूरा किया। कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का। जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी ने युवाओं और महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया। प्रयागराज में जेपी नड्डा ने विरोधी दलों पर बोला हमला, कहा चुनाव के समय कई राजनीतिक दल समाज को विखंडित करने, सत्ता हत्याने का काम करते हैं, फिर चाहे वो सपा हो, बसपा या कांग्रेस। कुशीनगर में राजनाथ सिंह ने योगी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा 2017 में यूपी की अर्थव्यवस्था का आकार 11 लाख करोड़ था, इसे 5 साल में योगी जी ने 21 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। देवरिया में मनोज तिवारी के साथ धक्का मुक्की हुई, बरहज इलाके में बदसलूकी हुई, बाइक पर बैठकर मौके से निकले मनोज तिवारी, प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के हेलीकॉप्टर की तेज हवा के झोंके से सभा स्थल के टेंट उखड़ गए, बलिया में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे मनोज तिवारी। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दिया धरना, बीजेपी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का जताया विरोध, एसपी कार्यकर्ताओं पर आरोप। उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भूपेश चौबे ने जनता से मांगी माफी, कुर्सी पर खड़े होकर लोगों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक की। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन का रोड शो, पार्टी प्रत्याशी सतीश द्विवेदी के पक्ष में वोट करने की अपील की। यूपी के गोंडा में अखिलेश ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा बीजेपी के नेता कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे लेकिन पहले ही चरण में जनता ने जो वोट डाले उससे बीजेपी नेता ठंडे पड़े हैं।
अब तो ये लग रहा है कि बहराइच के लोग बाबा जी का भाप निकाल देंगे, भाप। बीजेपी की जुमलेबाजी पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा ये बीजेपी वाले बहुत एबीसीडी पढ़ रहे हैं, काका यानी काले कानून गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, कहा बाबा जी ने तो लखनऊ से गोरखपुर की टिकट पहले ही बुक करा ली है। डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए बोले अखिलेश, डबल इंजन की सरकार में केवल महंगाई और भ्रष्टाचार डबल हुआ है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया झूठ बोलने वाली पार्टी, कहा बीजेपी के छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ। बहराइच में गर्जे अखिलेश यादव, बोले यूपी का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, बीजेपी की सरकार जाने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा 750 किसानों की मौत के लिए बीजेपी जिम्मेदार, फिर भी बीजेपी ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी। महंगाई को लेकर अखिलेश ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा महंगाई वाला दर्द सिर्फ परिवार वाले समझ सकते हैं, जिस घर में बेटा बेरोजगार हो उस परिवार का दर्द सिर्फ परिवार ही समझ सकता है। यूपी के राष्ट्रपति ने अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, कहा जो बाबा मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात करते हैं, लोग वोट डालकर इनका भाप निकाल देंगे। इधर रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, अखिलेश ने मयंक के साथ तस्वीर भी पोस्ट की। मयंक जोशी को लेकर अखिलेश का बड़ा बयान, कहा समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे मयंक जोशी, एसपी के कोशिश रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। ये मयंक जोशी वो पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी कोशिश रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। इधर अखिलेश यादव बोले गलत पार्टी में थे मयंक जोशी, बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं मयंक। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल, कहा चुनाव के रात सभी सांडों को गोरखपुर हकवाऊंगा, सभी सांड गोरखपुर जाएंगे, बाबा वहीं शंख बजाएंगे। उधर से हकवा दे लिया गोरखपुर, बाबा जी ओम प्रकाश राजभर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज, बोले जिनका परिवार ही नहीं वो क्या जाने परिवार का मतलब। एसपी नेता सौरभ प्रसाद मौर्य का बयान, बोले 10 मार्च को गर्मी निकालने वालों की गर्मी निकल जाएगी, लोकतंत्र में बड़बोला होना अच्छी बात नहीं। कुशीनगर में जी मीडिया से बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिन में सपने देख रहा है अखिलेश यादव, कहा बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। गोंडा में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में किया चुनाव प्रचार, बोले यूपी में कांग्रेस को उम्मीद से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक वीडियो ट्वीट कर एसपी पर ली चुटकी, वीडियो में छत पर लगे एसपी के झंडे को उतारता दिख रहा है बंदर। चौथे चरण में यूपी के 59 सीटों पर डाले गए वोट, आज शाम 5 बजे तक 57.45% हुआ था मतदान, लखीमपुर में सबसे ज्यादा 62% मतदान पहुंचा। लखीमपुर खीरी में भारी सुरक्षा के बीच केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किया मतदान, तिकुनिया गांव में बने पोलिंग बूथ पर डाला वोट। वोटिंग के दौरान मीडिया से बचते नजर आए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी, सुरक्षा के घेरे में अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। यूपी चुनाव के सबसे चर्चित लखीमपुर खीरी में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान, तिकुनिया गांव में पिछले साल 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की हो गई थी मौत। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया मतदान, लखनऊ के गोमती नगर में अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। पोलिंग बूथ पर राजनाथ सिंह ने टीका लगाने के बाद ही बुके भी किया गया भेंट, बोले बीजेपी इतिहास दोहराने को तैयार। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा, कहा बीजेपी 80% और एसपी 20%। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने डाला वोट, दिनेश शर्मा ने लखनऊ में मतदान किया। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी वोट डालने पहुंची, मॉल एवेन्यू के पोलिंग बूथ पर मतदान किया। राजेश्वर सिंह ने कहा यूपी चुनाव में राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा, माफिया को जेल से चुनाव लड़वाया जा रहा है, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रवाद का है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है राष्ट्र प्रथम, ये विचारधारा की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जनता की विचारधारा राष्ट्र प्रथम की है। इधर लखनऊ में मंत्री मोहसिन रजा ने डाला वोट, परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे, कहा 4 चरणों में ही बीजेपी को मिली 175 सीटें, 5वें चरण में बीजेपी को मिल जाएगा बहुमत। लखनऊ में मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी मतदान किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे।
लखनऊ में बीजेपी नेता पंकज सिंह ने भी मतदान किया, पत्नी के संग वोट डालने पहुंचे। बीजेपी ने जीत का दावा किया। लखनऊ में मंत्री आशुतोष टंडन ने किया मतदान, वोटिंग के बाद बीजेपी की सरकार बनने का दावा। रायबरेली के ऊंचाहार में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य मतदान करने पहुंचे थे, वोटिंग के बाद कहा प्रदेश में चल रही समाजवादी पार्टी की बयार। फतेहपुर में एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने किया मतदान, अपने पैतृक गांव में डाला वोट, एसपी की सरकार बनने का दावा। पीलीभीत में कांग्रेस प्रत्याशी को मतदान केंद्र से बाहर निकाला गया, कांग्रेस का गमछा पहनकर वोट डालने पहुंची शकील नूरी पर कार्रवाई भी। लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा नहीं डाल पाए वोट, वोटर लिस्ट में मुनव्वर राणा का नाम नहीं था, बोले चुनाव से जुड़े स्टाफ की वजह से कटा मेरा नाम। यही है कि जो पर्ची बनाने वाले, लिस्ट देखने वाले, वो नाकारा लोग रहे होंगे, उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया होगा। पीलीभीत में ड्यूटी के दौरान मतदान अधिकारी पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप, पूरनपुर विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर घटना हुई। पीलीभीत के आईटीआई पोलिंग बूथ पर युवक का हंगामा, वोटर्स लिस्ट में नाम नहीं होने पर युवक ने बवाल कर दिया, बीएलओ पर लगाया वोट काटने का आरोप। मतदान के लिए दिखा खासा उत्साह, सीतापुर में घाघरा नदी को पार करके नाव से मतदान करने पहुंचे मतदाता। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का दावा, कहा यूपी समेत 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सीएम योगी पर भी बरसे हरीश रावत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्ट्रांग रूम की रखवाली में जुटे कांग्रेसी, कड़ी सुरक्षा के बीच कांग्रेसियों को ईवीएम से छेड़छाड़ का डर। मणिपुर के कांगपोकपी में अमित शाह की चुनावी रैली, कहा 5 साल हमें दे दीजिए, जितने भी हथियारी ग्रुप हैं सबके साथ चर्चा करके 5 साल में युवाओं से हथियार छुड़वा देंगे। अमित शाह ने कहा 45 सालों में पहली बार मणिपुर में शांति हुई है, मणिपुर बंद, नाकाबंदी, आतंकवाद और ड्रग्स के रास्ते से हटकर विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। मणिपुर को बंद और ब्लॉकेड से रास्ते से हटाकर शांति और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। मणिपुर के कांगपो में अमित शाह ने किया डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट।